तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालास एक्सपेरिमेंट्स हम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बोर्ड बनाएंगे जो कि एक फाइनल मेरे को भेजा है स्पेशली डीजे के लिए। हमने इस बोर्ड को बनाना है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर सारा कुछ हमने ऐसे रख दिया है और इस पर 16 एम्पेयर और 6 एम्पेयर सभी स्विच हम लगाएंगे और इसमें सेफ्टी के लिए MCB वगैरह सब कुछ लगाएंगे और इसमें सीरीज कनेक्शन, पेयर कनेक्शन, सारा कुछ कनेक्शन इसमें करना है। तो इसका वायरिंग कैसे कैसे करना है, मैं आप लोगों को सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करना। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं सारा कुछ स्विच स्विच वगैरह ऐसे रख दिया हो और इसका अभी कटिंग करना बाकी है। और कटिंग वगैरह करने के बाद हम इसमें एक वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर भी कनेक्शन करेंगे। तो मेरे पास तो फिलहाल एम्पियर मीटर और वोल्टमीटर नहीं है, इसलिए मैं बाद में इस मीटर को इंस्टॉल करूँगा। और इस बोर्ड को फ्रेंड्स आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट हम करने वाले हैं। तो क्या डिफरेंट करना है वीडियो को लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इस बोर्ड में थोड़ा हम डेकोरेशन करने वाला है क्योंकि इसमें लगाएंगे हम LED जो कि जो भी स्विच ऑन रहेगा तो इसका नीचे एक LED इंडिकेशन करेगा, तो हमको पता चलेगा कि ये स्विच अभी ऑन है या ऑफ है। तो इसीलिए हमने लिए है रेड कलर के LED और हमको लेना पड़ेगा डायोड और कुछ 100 के रेजिस्टेंस। तो इसका ये हमारा सामान है, इस पर आप लोगों को कुछ भी कलर के LED इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये LED फ्रेंड्स लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल कनेक्शन होते हैं इस LED का। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सामान है और इसका सारा कुछ कनेक्शन वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और दिखाने के बाद आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट हमने कर लिया और करने के बाद ये कटिंग हमने करने के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कटिंग थोड़ा टाइम लगेगा कटिंग करने में, तो मैं स्किप करके आप लोगों को दिखाऊंगा इसको कटिंग करके। तो इस पर आप लोगों को अच्छी तरीके से मेजरमेंट कर लेना है क्योंकि ये प्लाईबोर्ड होता है और इसका थोड़ा गड़बड़ होने से ये प्लाईबोर्ड फट सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को कटिंग करने के बाद दिखाता हूँ। तो बस आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग वगैरह सब कुछ कर लिया और कटिंग करने के बाद ये हमने सारा सॉकेट को अच्छी तरीके से बैठक और देख लिया। बस आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये सॉकेट बैठ चुका है और इसमें थोड़ा रिंग मार्क वगैरह लगा कर इस पर थोड़ा स्मूथ करना बाकी है। तो इस पर आप लोगों का एक सीरीज कनेक्शन और पेयर कनेक्शन भी इस पर होगा। तो फिर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ सॉकेट और स्विच का जो एरिया है ये अच्छी तरीके से काट चुका है और इसका काटने का वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसका वीडियो स्किप करके दिखाया। तो ये फिर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो स्विच का पॉइंट भी हमने अच्छी तरीके से काट दिया और सॉकेट का जो स्क्रू है स्क्रू भी अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट है और जो कि डीजे वगैरह के लिए यूज़ होता है और ये सीरीज कनेक्शन और इसमें एक वोल्टमीटर लगेगा और ये MCB और 2 होल्डर इसमें लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से हमने काट दिया फिनिशिंग के साथ और इसका जो कनेक्शन है कनेक्शन भी आप लोगों को करके दिखाएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये बोर्ड का बेस है जो बेस का भी अच्छी तरीके से हमने बना लिया और ये प्लाई बोर्ड से हमने बनाया है अच्छी तरीके से, इसे फिनिशिंग वगैरह कर लिया हो। और ये हमारा जो बोर्ड है ये बोर्ड हमारा ऐसे कुछ इस तरीके से फिटिंग इस पर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बोर्ड हमने आज बनाया है और इस पर थोड़ा बाकी है MCB वगैरह लगाकर इस पर फिटिंग करना बाकी है। तो इस पर आप लोग देख सकते हैं सभी स्विच के नीचे एक हमने होल करना है क्योंकि इसमें रेड LED फिटिंग होगा जो कि इंडिकेशन करेगा स्विच ऑन है या ऑफ है, इसलिए हमने इस पर होल करना बाकी है। और इसमें थोड़ा मेन इंडिकेटर के लिए हम होल वगैरह भी कर सकते हैं और मैंने भी आप लोग करके दिखाऊँगा। तो बस आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ हमने ऐसे होल किया और होल करने के बाद हमने रेड LED को ऐसे फिटिंग कर लिया, जब भी स्विच ऑन रहेगा तो रेड कलर का LED ब्लिंक हो जाएगा। तो सारा स्विच के नीचे एक हमने LED फिटिंग किया और इसमें आप लोग देख सकते हैं मेन इंडिकेटर के लिए इसमें 4 LED हमने दिया है क्योंकि अच्छा लगता है डिफरेंट कलर के LED इसमें देने से बहुत ज़्यादा
खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए मैं इसको ग्रीन और वाइट कलर का एलईडी इसमें यूज़ किया हूँ। और फ्रेंड्स ये जो 4 LED हमने यूज़ किया है, ये फ्रेंड्स जो मेन सप्लाई हम देंगे तो ये 4 LED ब्लिंक हो जाएगा। तो इस पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे फिनिशिंग के साथ हमने काम किया है, और इसमें एक सीरीज कनेक्शन भी दिया हुआ है। और इसका जो बैक साइड है, बैक साइड को मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये फ्रेंड्स बैक साइड का जो कनेक्शन है हमें अब नहीं किया हमने, तो इसका कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस आप लोग देख सकते हैं जो LED का पॉजिटिव वायर है, इस पॉजिटिव वायर को जो स्विच का ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला एरिया पे ऐसे कनेक्ट कर दिया 100K रेजिस्टेंस के साथ। आप लोग 100K या 120K रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और 100K के नीचे आप रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि LED फ्यूज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं LED का जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को सभी स्विच को ऊपर वाला पॉइंट पर ऐसे कनेक्शन कर दिया है, और जो निगेटिव वायर को, निगेटिव वायर को आप लोग को एक साथ कनेक्शन करके एक दांत लगाकर आप लोगों को न्यूट्रल के साथ कनेक्शन कर देना है। मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो मेन होल्डर होता है, ये हमारा सीरीज का होल्डर होता है। तो मेन होल्डर तो डायरेक्ट सप्लाई के लिए हमने यूज़ किया है, क्योंकि स्विच वगैरह हमने इस होल्डर के लिए नहीं लगाया है। तो ये होल्डर डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा सारा कुछ स्विच है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका नीचे एक करके LED भी लगाया है। तो रात में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस LED को लगाने में, तो हमको पता चलेगा कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है, इसलिए हमने इस LED को लगाया है। तो बस आप लोग देख सकते हैं जो बैक साइड में आप लोगों का कनेक्शन में, अगर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो बस ये हमने एक कंडेंसर लगाया है, क्योंकि जो हमने मेन LED लगाया था जो मेन सप्लाई के लिए, इस LED को हमने डायरेक्ट AC करंट नहीं दिया, इसमें रेक्टिफाई करके DC बनाकर इसमें सप्लाई दिया, क्योंकि AC करंट देने से ये LED थोड़ा ब्लिंक हो जाती है और फ्यूज हो जाती है। सारा LED का जो निगेटिव वायर था, निगेटिव वायर को हमने ऐसे निगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे कनेक्शन कर दिया, और पॉजिटिव वायर को हम ऐसे 100K रेजिस्टेंस लगाकर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर ऐसे लगा दिया। तो ये सिंपल कनेक्शन है, पैर आप लोगों को घर पर कर सकते हैं। और ये हमारा जो निगेटिव कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, सारा कुछ निगेटिव कनेक्शन निगेटिव के जगह जोड़ दिया है। देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमने इसका काम किया है, और इसका बोर्ड का जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन पे आप लोगों को फ्रेंड्स जो स्विच का फेस वायर है, फेस वायर को सॉकेट का जो फेस वाला पॉइंट होता है, फेस वाला पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट कर दिया। सारी स्विच का फेस वाला पॉइंट हमने सॉकेट के फेस वाला पॉइंट पर कनेक्शन कर दिया, और न्यूट्रल कनेक्शन को हमने जो सारा कुछ न्यूट्रल कनेक्शन हम कमांड करके न्यूट्रल के साथ ऐसे कनेक्शन कर दिया। यह हमारा जो सिंपल कनेक्शन है बोर्ड का, और यह हमारे फ्रेंड्स बोर्ड का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। यह हमारा जो फाइनल लुक, इसमें स्क्रू वगैरह हमने अभी नहीं लगाया है, बाद में इस पर फोल मीटर वगैरह लगा कर स्क्रू हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सप्लाई है, सप्लाई एक बार मैं देखकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स हमने जो सप्लाई दे दिया, और इसमें MCB को जब भी ऑन करूँगा इसमें पावर आ जाएगी, आप लोगों को दिखेगा। ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें LED का इंडिकेशन आ चुका है, और ये सभी सारा कुछ स्विच अभी ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है। जब भी स्विच को ऑन करूँगा आप लोगों को दिखेगा ये सारा LED ब्लिंक हो जाएगा। सारा कुछ LED ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा ब्लिंकिंग हो रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट AC करंट से ये LED चल रहा है। तो मैं आप लोगों को देख सकते हैं इसमें जो नज़ारा है कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये बोर्ड फ्रेंड्स आप लोगों को एक घर के लिए बना सकते हैं, और कॉमर्शियल यूज करने के लिए भी ये बोर्ड आप लोगों को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे इसमें लग रहा है, और इस पर जो नाइट में और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यह हमारा जो बोर्ड है, यह बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। और जब भी स्विच को मैं ऑफ कर देती हूँ, ऑफ करने के बाद आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स आप लोग ऑफ हो गया सारा कुछ स्विच, और ऑफ करने के बाद ये LED भी ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बहुत दिन मेरे वीडियो अभी अपलोड नहीं किया था, तो अभी से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय।